सबसे पहले आपको ध्यान आकर्षण करना इसलिए चाहते हैं मैडम, जिन लोगों ने दिन रात हमेशा पाठ पढ़ाते हैं लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए, संसदीय व्यवस्था कैसा चलना चाहिए, पार्लियामेंटरी सिस्टम कैसा चलना चाहिए। देखिए नज़ारा सदन में विराजमान है, जहाँ ना मंत्री है ना शांत्री है ना कोई है। हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारे जिम्मेवारी नहीं है, मंत्री नहीं है, मंत्री आ रहे हैं और पूरा खाली पड़े हुए हैं, सारे विराजमान है, आप खुद देख सकते हैं। तो लकीर खींचते हैं जो उनको लिए, ये मैं सीख देना चाहते हैं कि सदन की बाहर हमारे साथियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सदन में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आने की इजाजत है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जिन लोगों ने दिन रात हमें ज्ञान देते हैं लोकतंत्र की, संसदीय पार्लियामेंटरी व्यवस्था की, वो लोग की हालत देखिए। सर कल संयोग से मैडम हमारे हेल्थ मिनिस्टर मांडिया साहब ने मौजूद थे, क्योंकि कल एक विषय पर चर्चा हो रहा था, तो मांडविया साहब को मैं ये पूछा था कि ये मौके को फायदा उठाते हुए एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कोविड की हालत क्या है। ये कोविड की चलते हमारे देश में जो बिल जिस विषय पे था, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका क्या असर हुई, क्योंकि हमारे देश में इनफर्टिलिटी अलार्मिंग राइज हो रहे हैं, इसका साथ कोविड का कोई ताल्लुका था या नहीं, तरह तरह के सवाल पूछने का कोशिश किया था। लेकिन उस समय हमारे माननीय स्पीकर साहब ने हमें कहा था कि हाँ कल ही ये कोविड पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले माननीय स्पीकर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि सदन की सब मेंबरों की जो मनसा थी, वो मनसा को मद्देनजर उन्होंने फैसला लिया और इसके चलते आज हम सब इस सदन में इस विषय पे चर्चा करने का मौका भी मिला। मांडविया जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ एकदम शुरुआत में, क्योंकि हमारे स्पीकर साहब ने ये कहा था कि हमारे ओमिक्रॉन पे आज हम चर्चा करेंगे, ओमिक्रॉन की हालात देखते हुए हमें और सचेत रहना चाहिए और हमें चर्चा करना जरूरी है, ओमिक्रॉन ये जिक्र किया था। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि ओमिक्रॉन आज एक थ्रेड बनते जा रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इंपैक्ट। ओमिक्रॉन और उसके साथ साथ ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि द प्रिलिमिनरी क्लिनिकल डाटा कमिंग फॉर द ओमिक्रॉन इंडिकेट्स दैट इट हैज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स व्हिच इज मेनली इंटेंस फैटिग, नंबर वन। एट अ टाइम व्हेन नियरली मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी was about to come out of the crisis of the Delta variant, the initial rapid expansion of the new Omicron variant of SARS-CoV-2 in Africa has shaken the world with another possible wave. This was not because of the detection of a new variant, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा सभी निकल चुके हैं, हमें डेल्टा भी हमारी देश से जानकारी मिले हैं, अभी आगे ओमिक्रॉन एक विशियन वर्ड है ये। तो दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ए न्यू वेरिएंट, इट वाज ड्यू टू इट्स हाई आर ओ वैल्यू। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आर ओ वैल्यू 2 एंड मल्टीपल म्यूटेशन दैट इट कैरीज। द आर ओ वैल्यू इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ ए वायरस टू स्प्रेड फ्रॉम 1% टू अनदर, एंड 2.0 इज द हाइस्ट इन्फेक्टिविटी वैल्यू टिल नाउ ऑफ एनी वेरिएंट। मतलब आज तक जितने वेरिएंट की हमें जानकारी मिली है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है उसका नाम है ये ओमिक्रॉन, जिसकी इन्फेक्टिविटी काफी हाई है, जिनकी आरओ वैल्यू 2.0 है। The previous variant Delta, which created havoc in India, had a 1.64 RO value. Hence, scientists advise extreme caution against Omicron as they are uncertain about its impact. This is also notable being in mind the low impact of previous variants, including Delta in Africa. देखिए, अफ्रीका में
डेल्टा की इतना असर नहीं हुई, लेकिन ये ओमिक्रॉन अभी अफ्रीका में शुरुआत हो रहे हैं, इसलिए जिसकी आरओ वैल्यू खतरनाक स्तर पे है उसकी बारे में आपको ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। क्योंकि देखिए एक कहावत है, एस टीच इन टाइम सेव्स नाइन, समय पे अगर हम उचित कदम उठाते हैं तो बहुत सारे काम बचा सकते हैं। और जब तक मसला है संक्रमण की है, हमें और ज़्यादा इसमें सचेत होना चाहिए और ज़्यादा इसमें एहतियात बरतना चाहिए। पिछले बार हमें ये गलती किए थे, पिछले बार ये गलती जरूर किए थे, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार हम अगर सही कदम उचित समय में उठाते तो इतने सारे हिंदुस्तान के लोगों को मौत नहीं होते, जान गंवाने नहीं पड़ते। ये बड़े दावे के साथ, मैं नहीं, सारे बड़े बड़े एक्सपर्टों ने उनका राय ये है। देखिए विल्सन कह के एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, एंड वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। मैं तो ये कह रहा हूं, इवन ए लेट आवर ऑफ इन्फेक्शन कुड बी मोर फेटल एंड लेथल, देयरफॉर वी शुड बी रिमेन की भी इन कंटेनिंग द इम्पेंडिंग कोमिरॉन वायरस। मैं ये कोई भड़काव करने के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारी देश की भेलोर में हमारे जाने माने वायरोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट टी जेकब जॉन ने ये हमें सचेत किया है। ये सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी हैज बीन फ्लैगिंग मल्टीपल इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। ही सेड दिस वेरिएंट वाज रिपोर्टेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय साउथ अफ्रीका ऑन 24 नवंबर, 24 नवंबर, एंड ऑन 26 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इट एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड नेम्ड इट बाय द ग्रीक अल्फाबेट ओमिक्रॉन। बाय देन कंट्रीज लाइक हांगकांग, इजराइल, यूके, बेल्जियम हैड डिटेक्टेड इट, ब्रॉट इट बाय एयर ट्रेवलर्स। मेनी म्यूटेशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन जीन, हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एयरबॉर्न ड्यू टू वेरी हाई वायरल लोड इन नेशनल म्यूकोसिया एंड नॉन स्प्रेड अमंग टू डोज वैक्सीन रिसिपिएंट इंडिकेटिंग एंटीजेनिक ड्रिप वेयर द जस्टिफिकेशन टू असाइन वीओसी लेवल। नाउ जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड हैव गॉट इट टू इन अफ्रीका, बोत्सवाना, मालवाई, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका आर अफेक्टेड। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम फिल्टरिंग एयर ट्रेवलर फ्रॉम 1 दिसंबर। मालूम हुआ आपको 26 नवंबर को आप एयर ट्रेवलर को फिल्टर करना शुरू किया, सरकारी हिसाब के मुताबिक 1 दिसंबर, मतलब दैट इज अनवाइज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह रहे हैं। वी शुड हैव स्टार्टेड फिल्टरिंग फ्रॉम नवंबर 26, द डे वी न्यू इट वॉज वेरियंट ऑफ कंसर्न। मैं इसलिए समय की बात करते हैं क्योंकि पिछले बार भी हमें वुहान की जानकारी मिली थी बहुत पहले दिसंबर महीना में, उसके बाद ये ग्लोबली स्प्रेड हो गए। मार्च 11, 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड COVID-19 टू बी ग्लोबल पैंडेमिक। द फर्स्ट केस इन इंडिया वॉज कन्फर्म ऑन January 30, 2020। सिंस देन देयर हैज बीन अ राइज इन नंबर ऑफ केसेस एंड एज दिसंबर, आज की तारीख में December 1, 2021, आज की तारीख में देयर वर 3.46 करोर कन्फर्म्ड केसेस ऑफ विच 99,023 वर एक्टिव। मतलब मैं इसलिए कहता हूं कि समय बड़ा इसमें अहमियत है, क्योंकि ये समय पे अगर हम उचित कदम नहीं उठाएं तो हमें दोबारा भुगतना पड़ेगा। एक प्रभाव भार की, वंस बिटन ट्वाइस साई, मतलब आप सचेत हो जाइए। फर्स्ट प्रिवेंट इम्पोर्टेशन बाय केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल अराइवल फ्रॉम कंट्रीज नोन फॉर पोटेंशियल वाइड स्प्रेड, कंट्रीज इन साउदर्न अफ्रीका, कंट्रीज नाउ नोन टू बी इन्फेक्टेड। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट प्रीसियस डे। दस मिनट अरे रुकिए मैडम,
The next is good genotyping coverage to monitor if Omicron has entered and spreading. Determining the role of a booster right at this time also is an urgent need. Global watchers, kya kehte hain, jante hain? Global watchers in India realize that India's contribution in science related to COVID is very small. Our investment in research are too small. As someone recently said, Indians are good traders but not good inventors. मैं आपकी ये मंत्रालय के हिसाब कह रहा हूं कि इतने सारे कोविड संक्रमण होते हुए भी पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ रिसर्च एंड वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन लो. द बजट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इज 0.01% ऑफ जीडीपी. तो क्या हुआ मैडम? अरे रुकिए ना मैडम, बोले दीजिए. तो इसलिए मैं ये सरकार को मालूमत करना चाहते हैं कि आप ताजा स्थिति बताइए, बिना किसी छेड़छाड़ की आप ताजा स्थिति बताइए. आप कहते हैं बड़ी बड़ी ये श्रेय लेना या होर लगे हैं. मोदी जी के पास कौन सा नेता सबसे आगे पहुंचेगी? मोदी जी को ढिडोड़ा पीटा जा रहे हैं यहाँ, लेकिन हालात तो नहीं है. हालात क्या है ये बताना जरूरी है, क्योंकि इट स्टिल हैज ए लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपरली वैक्सीनेटिंग द टारगेटेड पॉपुलेशन व्हिच इज नाउ ओनली 30% ऑफ द 94 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वैक्सीन ट्रैकर, only about 27.30% of the population in India is fully vaccinated, lagging behind its neighbor Sri Lanka 62.68, Bhutan 73.36, China has fully vaccinated 76.83 of its population. The United Arab Emirates leads the list of countries with 87.26% of their population fully vaccinated. Among those countries hit hardest by COVID-19, the United States of America has vaccinated 59.54% of its population. Mexico has vaccinated 49.69% of its population. And the United Kingdom has vaccinated 68.86% of its population. आप बताइए कि हमारे देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, इनको सबको फुल वैक्सीनेट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? ढिडोरा पिटना नहीं, असलियत बताइए. क्योंकि ढिडोरा पीटने से आप पकड़ जाओगे मैडम, हो गया ढिडोरा पीटने से आप पकड़ जाओगे. हाँ, क्योंकि आपकी 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 हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया गया तथ्य मैं बता रहा हूं. रेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन सुनिए मंत्री जी, फेब्रुआरी 13 टू नवंबर 26 2021 डेली एवरेज ऑफ सेकेंड डोजेज एडमिनिस्टर्ड 14,92,670. प्रोजेक्टेड टाइम टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट सिटीजन 630 days, 1 year and 7 months. मैडम हो गया मैडम, प्लीज सभा की दीदी ऐसा ना कर दी, हो गया दीदी. कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ा दी जाए. हाँ आराम से 12 बजे तक कर दी दीदी. एक जून 19 टू नवंबर 26 2021 डेली एवरेज ऑफ सेकेंड डोजेज एडमिनिस्टर्ड 23,81,241. प्रोजेक्टेड टाइम टू वैक्सीनेटेड ऑल एडल्ट सिटीजेंस 395 days, 1 year and 1 month. आपने आपकी सरकार ने यह कहा था कि दिसंबर की 20 तक हिंदुस्तान में सारे एडल्ट पॉपुलेशन को हम फुल वैक्सीनेट कर देंगे. अब बताइए आज की हालत में आपको क्या कहना चाहिए? अभी लिस्ट बहुत लंबी है, समय थोड़ा कम लिया करिए. लिस्ट बहुत लंबी है, सबको बोलना है. हो गया, बोलना है. हो गया बस इलाज. बड़ा मंत्री जी ये दुर्भाग्य की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये सरकार के खिलाफ इल्जाम लगाया कि सरकार ने नरसंहार किया. ये मैं नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट. दिल्ली हाईकोर्ट कहा ये ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपना रहे हैं. अच्छा गोयल साहब ने कहे थे कि आप कम ऑक्सीजन लिया करो. राजनाथ सिंह जी कहते आप रामचरित पाठ करो. बीजेपी नेता कहते गोमूत्र पिया करो. और रामदेव कहते कोरोनिल लिया करो. और उनके साथ हर्षवर्धन जी और हमारे गैटकरी जी साथ में बैठ के एडवर्टाइज करते हैं. तो ये हमारी हाल है.
तो ये हाल को मद्देनजर आप रोड मैप बताओ, हमें और कुछ नहीं जानना चाहिए, आप रोड मैप बताइए कि हिंदुस्तान में शुरू करें। धन्यवाद सभापति महोदया।